नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार में चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में जो नेता हैं वो लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित करने में जुटे हुए हैं। इस बीच जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जो हैं मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां वो अपने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि आगे भी हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा करना हमारा धर्म है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि एक बार फिर से हमें जिताइए, ताकि वो आगे भी बिहार में विकास के कार्य करते रहेंगे। साथ ही साथ विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी जो हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों में नहीं पड़ना है, आप हमें एनडीए को वोट दे ताकि हम बिहार में विकास के कार्य करें। विकास के कार्य के साथ साथ जो पूरा बिहार है वो हमारा घर है, इसलिए एक मौका हमें आप फिर से दें। विशेष क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आप खुद सुनिए। 20% का आरक्षण दिया और सब लोग अब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है, सबको लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये सब काम तो हम लोग प्रारंभ से ही करते रहे। तो जो हमने कहा जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और एक ही काम, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो काम किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सबको मालूम है क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। अब लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूलों में बराबर हो गई। जो भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं में और जागरूकता लाने के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने यह काम शुरू किया, और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब उसके आगे जा रहे हैं, 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाओं तक जुड़ गई। और जब तक पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लोग चिंता नहीं करते थे पहले महिलाओं की, हमने तो प्रारंभ से कहा। और आज जान लीजिए, बिहार का जो विकास हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष और स्त्री सबको काम करने का अवसर मिला है, और सबकी जागृति के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और उसी तरह से समाज के कमजोर तबके के लिए, चाहे महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनके उत्थान के लिए जो काम किया उसी के चलते आज समाज आगे बढ़ रहा है।